हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है आपका लाइंस एंड एंगल्स की शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे इसके हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। गेम ध्यान से समझिएगा। ये चीज सबसे पहले चीज हम समझेंगे, एक होता है न्यू को। क्या न्यू से कहा जाता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? कोई भी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो, है ना, मोर देन 0 डिग्री या ग्रेटर देन 0 कह सकते हो आप, और 90 से कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कोण, लेट से मैं एक कोण बना देता हूं, ये हो गया एक कोण, इसकी वैल्यू मैंने निकाली, मैंने एक्स डाली। ठीक है, तो वही भी ऐसा कोण, लेट से वो एक्स है, लेट से वो एक्स है, वो क्या है? वो 0 डिग्री से ज्यादा है, 0 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यही कोण मारा 90 से क्या है, कम है, तो इसे क्या कहेंगे? वो कोण क्या है? वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, यहां भी क्लियर आप सभी को? तो ये हो गया हमारा न्यून। कोई भी ऐसा कोण जो 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, इसे आप क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, सेकंड आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण से बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो कोई भी ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा हो, यहां क्या हो जाएगा? चलो एक एंगल भी लेते हैं, लेट्स से एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया, ये से हमने ज्यादा है, इस एंगल को हमने ले दिया वाई, लेट्स से ये एंगल वाई है। ठीक है, तो ये जो एंगल वाई है, ये एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब 180 से कम होगा, तो ये आपका क्या होता है? अधिक कोण। तो दो प्रकार के हैं आपको बोलना है, बता दिया है कि कोई भी 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो तो वो होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और अधिक कोण किसे बोलेंगे? कोई भी ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसे बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा एक होता है हमारा सम, समकोण। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। ये तो आपने सुना होगा, राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो कोण होगा वो होगा आपका राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जैक्ट 90, मतलब कोई भी कोण जो 90 का हो, जैसे इसको हम मान लेते हैं पी, ये एंगल पी है, तो पी जो एंगल है वो कितना है? 90। एग्जैक्ट 90 डिग्री आपका होता है समकोण। ठीक है, ये हो गए तीन चीजें, और समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं रिजु कोण, रिजु सॉरी अरेजु, रिजु कोण, रिजु कोण। ठीक है, ये क्या होता है? कोई भी ये लाइन ड्रॉ करके मैंने, है ना, यहां पे कहीं भी यार एक पॉइंट, जैसे यहां पे एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इसे ही कहा जाता है स्ट्रेट एंगल रिजु कोण। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल रिजु कोण। ठीक है, ओके, यहां भी क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कौन। ये कौन सा एंगल है? ये नया आपको सुनने मिला होगा, ये सब आपको सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो सेवन क्लास एट क्लास में
रिफ्लेक्स एंगल प्रतिबिंब। अब ये क्या है, देख कोई भी एक ऐसा एंगल, ठीक है, चलो इसका पहले कंडीशन समझते हैं, पहले कंडीशन समझते हैं। लेट्स से वो एंगल है एक्स, कोई भी एंगल एक्स है, मुझे इसका रिफ्लेक्स पता करना है, इसकी लिमिट क्या है, कहां से कहां तक ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो मोर देन 180 होगा, क्या होगा, मोर देन 180, और लेस देन 360 होगा, और लेस देन 360 होगा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि एक एंगल ऐसे ले लिया, ठीक है ना, ये एंगल है आपका एक्स, ठीक है, ये एंगल क्या है आपका एक्स, ओके। अब इसका जो रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स एक्चुअली में इसका जो रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स क्या होगा, ये होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा एक्स एंगल का रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर मुझे अभी इस हिसाब से चलना है तो मुझे एक्स पे ध्यान देना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। और अगर एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि आपको अगर कहा जाए एक एंगल है आपका, एक एंगल है आपका लेट्स से 40 डिग्री, ठीक है, मुझे इस तरह क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, क्या करें आप, इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 में से इस एंगल को माइनस कर 40 डिग्री को, यह जाएगा 320 डिग्री। ये क्या है, इस 40 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब इस साइड का एंगल है। एक्चुअल में क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल, एक पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ एंगल कितना बनेगा, पूरा एक सर्कुलर जो बनेगा कंडीशन, वो होता है 360 का एंगल होता है। तो जिस एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उस एंगल को 360 में से माइनस करोगे और इस तरीके से आपके उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज और, एक चीज और है कि जो भी रिफ्लेक्स एंगल होगा उसका कंडीशन आप ध्यान रखना, उसका कंडीशन है कि 180 से ज्यादा होगा वो और 360 से कम होगा, ठीक है। 320 आ रहा है, 360 से कम है ना और 180 से ज्यादा है, कोई भी एक एंगल हो सकता है। से ये एंगल है आपका 100 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो तो 360 में से माइनस करोगे 100 को, ये आएगा 260 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है 100 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल, ओके। ये चीजें सब क्लियर हो गई, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ओके। कुछ चीजें और समझाऊंगा, कुछ एंगल्स और हमें समझने के लिए अभी, ठीक है, ओके। आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो बच्चों अब हम समझेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रेखिक युग्म के कोण। ये क्या होता है, देखो जब आपको कभी भी एक लाइन, एक रेखा क्या दिया जाए, लाइन आपको बोला जाए कि एक लाइन है, एक रेखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक आपको ऐसे दे जाएगा निश्चित, जैसे ये हो गया आपकी क्या, ये हो गया किरण, इसे बोलते हैं रे, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन से क्या हुआ, इस पॉइंट पे दो एंगल्स बन गए, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो लीनियर पेयर ऑफ रेखिक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है, रेखिक युग्म क्या कहता है, कि एंगल जैसे ये वन है, लेट्स से ये टू है, नाम लिख दिया कि एंगल ए है और ये दो है, तो लीनियर पेयर कहता है कि एंगल ए को अगर जोड़ोगे दो में तो ये आएगा 180। क्यों, एक तो पॉइंट ये है कि हमें ये बात पता है कि लाइन एक रेखा पे किसी भी पॉइंट पे रिजिड एंगल बनता है 180 का बनता है ना, स्ट्रेट एंगल और रिजिड कोण, है ना, ये कंडीशन है। पर यहां पे क्या हुआ, एक रे ने ऐसे करा और इसे क्या हुआ, दो एंगल्स बन गए, ठीक है, एक पॉइंट पे, उन दोनों का सम 180 ही होगा, और इस कंडीशन को ही बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखिक, रेखिक युग्म, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, रेखिक युग्म। जैसे कि आपके पास ऐसा हो कंडीशन, बोल दें कि ये एंगल है आपका 100 डिग्री, ये एक्स है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखो कि एंगल एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180, ठीक है, और रीजन क्या डालोगे, लीनियर पेयर कारण उसका है ना, इसको सॉल्व करोगे आप, तो एंगल एक्स बराबर 180, इस 100 को इससे हटाओ 100 और माइनस में आएगा, तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री,
ठीक है, इस तरह से सवाल करने में हेल्प मिलता है। लीनियर पेयर का यूज करते हैं, रेशिवम का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हो गया वो नेटिव को, रेशिवम क्या होता है, तीन भी हो सकता है मेरे, जैसे एंगल ये वन टू दोनों का सम वन एट, तीन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कैसे ले लिया, यहाँ पे तीन एंगल्स बन गए, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो वन टू थ्री हम बोलेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180, और रीजन क्या लेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। इसका यूज हो सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा यूज कर, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे दिए, आते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेक्शन में, ये क्या होता है, जैसे कि मान लो ये लाइन लाइन रेखा एल टू एक रेखा और इसे बाइसेक्ट कर दिया, सॉरी प्रतिच्छेद किया गया लगे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट किया है ना, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट बोलिए, ठीक है, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका लेट से एल था ना, ये पी हो गया, एल लाइन रेखा ने पी रेखा को क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे। अब इससे क्या होगा, चार एंगल बन गए, है ना, एक एंगल ये बना, जैसे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, चार एंगल्स बन गए। अब क्या होता है, शीर्षाभूमि कोण हमें क्या बोलता है, शीर्षाभूमि कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे एंगल वन है तो एंगल जो वन है वो इक्वल होगा, एंगल वन इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, एंगल वन जो है, एंगल वन जो है वो इक्वल होगा, वो होगा उसके सामने जो है एंगल थ्री, उससे इक्वल होगा, ठीक है, और एंगल टू एंगल फोर के एंगल जिससे इक्वल होगा, एंगल इसी को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हो सवाल, मैं आपको सवाल भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया कि ये एंगल है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री का एंगल, ठीक है, और आपसे पूछ लिया बताओ ये एंगल कितना होगा x, ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, आप बोलोगे कि एंगल x जो है वो इक्वल है 50 डिग्री, और रीजन दोगे VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 50 क्यों है, क्योंकि ये लाइन थी एक और एक ये लाइन थी, दोनों इस पॉइंट ने सेट किया और एक्स के अपोजिट में आपको देख रहे थे, ठीक है ना, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, और ऐसे ही कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस एक्स की वैल्यू, तो आप बोलोगे एंगल एक्स जो है वो इक्वल होगा 70 और रीजन लिखोगे वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि यहाँ पे वाई है तो वाई की वैल्यू बताओ, तब क्या करना, तब लीनियर पेयर बनाना, लीनियर पेयर देखो ये एक सीधी लाइन है, इसमें वाई बन रहा है और 70 बन रहा है, ऊपर की तरफ है ना, इसे हम करेंगे एंगल वाई प्लस 70 इक्वल टू 180 और लिखेंगे लिमिट पेयर, रेखीय युग्म है ना, इस तरह से एंगल y की वैल्यू आएगी 180 माइनस 70, एंगल y कितना आएगा 110 डिग्री, ठीक है, ये कुछ चीजें आपको समझना है, ठीक है, लिमिट पेयर और लिमिट पेयर, रेखीय युग्म और वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख, ठीक है, आपस में क्या रिलेशन है, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, उदाहरण एक, ठीक है, इसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और कुछ डिटेल्स दिए हैं कि एंगल POR जो आपका एंगल POR, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ROQ ये इन दोनों का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया, रेशियो कितना है 5:7 है, ठीक है, और सारे एंगल्स निकालना है, ये 1, 2, 3 तो चारों एंगल्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, एक चीज समझो, जो दो एंगल्स हैं उनका रेशियो जो दिया है उन दोनों को अगर डायग्राम में देखें ध्यान से तो हमें क्या दिखता है, अब हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे, देख इन दोनों का डायग्राम में क्या दिखता है, देखो ध्यान से, तो एंगल पी ओ आर को अगर हम प्लस करते हैं एंगल आर ओ क्यू में, एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू हम करते हैं 180 आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है
ये क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा है ना कि जो PQ है ये एक लाइन है, एक रेखा है, और एक रेखा पे, एक लाइन पे कितने एंगल बनता है, कितने रेखा कोण बनता है, 180 का बनता है। तो ये दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 होगा, और कारण हो गया डिवाइड पे, जिसे हम बोलते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक बार देखो इनका रेशियो क्या है, रेशियो कितना है, पाई रेशियो, सब रेशियो क्या है, पाई रेशियो। अगर आपको निकालना है एंगल पी ओ आर, तो मैं रेशियो के हिसाब से कैसे निकालूंगा उसे समझिए आप। इसका रेशियो है कि पाई को अपॉन में क्या करो, इन दोनों रेशियो का सम कर दो, 5 × 7 = 12, बहुत बढ़िया। और गुणा में क्या आएगा, असलियत में इनका सम देना, असलियत में, असलियत में इनका सम 180 है ना, डायग्राम को फॉलो करें अगर ध्यान से बोलो तो 180 गुणा में आते हैं, मल्टीप्लाई में आकर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 6 का टेबल, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, और ये 0 ना आ गया, फिर 2 से काटा इसको तो 15 है ना, 15 × 5 = 75, 15 × 5 कितना आएगा, 75 × 75 = 75, ये आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो एंगल होगा, एंगल ये वाला आर ओ क्यू वाला, ये वाला एंगल आर ओ क्यू, ये रेशियो में है 7, ये कितना है रेशियो में 7, और इन दोनों का रेशियो में सम करो तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर में कितना है 180। बस इसे सॉल्व करो शॉर्ट मैटर में, देखो इसे से काटा था अभी हमने, कितना आया था 15 आया था, अब 15 × 7 = 105, तो ये एंगल आ गया आर ओ क्यू। तो हमने क्या किया, हमने दो एंगल्स को फाइंड कर लिए है ना, ये भी आ गया है और ये भी आ गया, रिमेनिंग में निकाल दे। अब ध्यान देना, एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू ये वाला एंगल इसके सामने ये है, बराबर होगा ही नहीं होगा इसके, हाँ होगा पी ओ आर के, क्यों होगा बराबर, तो बोलोगे वर्टिकली आपको एक एंगल है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, तो ये एंगल जो है एस ओ क्यू इसके बराबर इसके, और ये है कितना 75 °, हो गया पॉइंट। ठीक है, ऐसे ये निकल रखने वाला, ये था इसके सामने ये भी तो बराबर होगा उसके, एस ओ पी ओ, एस ओ पी किसके बराबर होगा, आर ओ क्यू के, आर ओ क्यू के। रीजन क्या आएगा, यही रीजन आएगा, यही रीजन आएगा, बड़ी गलत उसी लाइन में यही आएगा, शीर्षा दोनों को ठीक है, एंगल एस ओ पी किसके बराबर, आर ओ क्यू के, और यह है कितना 105। चार एंगल्स निकल गए, ये 1, 2, 3, 4, हमने चार एंगल्स निकाल दिए। ठीक है, ठीक, तो ये मैथड होता है, एक मैथड और होता है, ठीक है, लेग वाला, किस एंगल को 5x सेट कर लिया है, 7x, वो थोड़ा सा लर्निंग हो जाता है, x के लिए निकालने के बाद मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, सिंह हम करें और आगे हम करते हैं। ठीक है,